भूख, जब आपको भूख लगती है तो आप जल्दी से खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, और साथ में कोरोना वायरस। एक तरफ जहां हम सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, तो दुनिया के बहुत से लोग कोरोना वायरस प्लस भूख से लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीपल्स वॉइस में। नो झंझट, नो बकवास, सीधे फैक्ट्स की बात। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस वर्ग को वायरस ने पाया जो पहले से ही गरीबी और भूख से जूझ रहा था। गरीबी से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम का कहना है कि हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। बता दें कि दुनिया भर में अकाल जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले भूख से जूझने वालों की संख्या में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट, युद्ध और जलवायु परिवर्तन, इन सभी समस्याओं ने भूख से जूझ रहे लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाया है। ऑक्सफैम ने गुरुवार को द हंगर वायरल मल्टीप्लाइज नाम की एक रिपोर्ट में कहा कि अकाल से मरने वालों की संख्या कोरोना से मरने वालों की संख्या से अधिक है। हर मिनट लगभग 7 लोग भूख से अपना दम तोड़ देते हैं। अगर आप भी कभी जिंदगी में खाना बर्बाद करने के बारे में सोचें, तो कृपया मेरा ये वीडियो एक बार जरूर देख लें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।